26 जनवरी के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति के आने के साथ ही सबसे पहले राष्ट्रपति के जो घुड़सवार अंगरक्षक थे, राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने सलामी दी और इस दौरान राष्ट्रगान बजाया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तस्वीरें इस वक्त कर्तव्य पथ से आप सीधे देख रहे हैं, जहां इस बार की थीम बेहद खास है, विकसित भारत, नारी शक्ति। इन पर इस बार के गणतंत्र दिवस पर खासा फोकस रहेगा। सुमित, देखिए बिल्कुल, और देखिए इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ध्वजारोहण में खासतौर पर राष्ट्रपति के साथ में मौजूद थी मेजर सौम्या शुक्ला, क्योंकि इस बार थीम ही नारी शक्ति। और देखिए सबसे पहले शुरुआत की जाएगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, और उसके बाद जो हमारे जो विजेता है परमवीर चक्र से सम्मानित हमारे जो वीर हैं वो आएंगे। Maharashtra, the Dakpu from Telangana, the Dhak and Dhol of West Bengal, the Shank, the Chenda, Dolu and Kunita of Karnataka, Nadaswaram, Tutare and cymbals all playing to Rag Revati of Karnataka music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। यह है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 B-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर,
फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए, उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए शानदार दृश्य भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवास्ता और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है।